ये दोस्तों कैसे हो, शायद सुरहित क्रिएशन में। तो दोस्तों आज का एडिटिंग कुछ इस टाइप का होगा और इसमें जो बैकग्राउंड पीएनजी सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जैसे डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं अगली जो वीडियो है उसमें बताया था कि आपको कैसा कॉन्सेप्ट चाहिए, तो बहुत भाई ने मुझे डीएम कर रहा था कि मार्वल मूवी पोस्टर लेके आओ, तो लेके आ गया हूँ। और आपको कैसा कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगा आप जैसे बोलेंगे उस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाने की। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को ऑन कर ले, इसमें फायदा आपको बहुत होगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को फुल मॉडिफाई करके रखा हूँ, तो आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं होगा। सिंपली आप चले जाना ऐड फोटो में और मॉडल को यहाँ से ले लेना अपना मॉडल को, और इधर से करना है सेट, ओके। फिर दोस्तों थोड़ा सा इरेज पे जाएंगे और इरेज का जो हार्डनेस है एकदम कम कर देना है, ओपासिटी को सेम रखना है और साइज आपने हिसाब से लेना है, ठीक है। और इधर से कर देना है इरेज, ओके हो गया। होने के बाद आपको करना है यहाँ से डन। तो दोस्तों यहाँ पर जो मॉडल है उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मार्वल का जो लुक आता है वो वाला लुक यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ले लिया एक मॉडल को, तो इधर से मैं पहले ये वाला हिस्सा सेट करूँगा, हो गया सेट। होने के बाद इरेज पे जाऊँगा, एक्स्ट्रा हिस्सा को कर लूँगा इरेज, ओके। और इधर से करना है हार्डनेस को थोड़ा सा हाई, और ये वाला हिस्सा भी करना है इरेज, ठीक है, और इधर से भी इरेज करना है। तो हो गया। होने के बाद यहाँ पर जो हिस्सा है थोड़ा सा इरेज करना है, और इधर से कर देना है डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आइकॉन है डुप्लीकेट वाला, यहाँ पर डुप्लीकेट एक कर लेना है, और थोड़ा सा फोटो को जूम कर लेते हैं, और इधर से भी एक सेट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। इरेज पे जाएंगे, हार्डनेस को फुल करेंगे, फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा जो हिस्सा है उसको इरेज कर देंगे इस तरीके से, हो गया। होने के बाद करना है डन, फिर जैसे ऐसे कर देना है, हो गया। होने के बाद दोस्तों फिर से चले जाएंगे ऐड फोटो में, और ये वाला जो पीक है फिर इसे ले लेंगे। और अब इस पर करना क्या है, इसको पहले करना है ब्लाइंड पे जाके मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी यार मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको करना है ओवरले, ओवरले कर देना है। ओवरले करने के बाद इरेज पे जाना है, इन्वर्ट करना है, ठीक है, सिर्फ जो शार्ट है मतलब टी शार्ट है वहाँ पर ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। इसमें आपका जो मतलब वहाँ पर जो ड्रेस है वो ड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो मैं कर लेता हूँ, आप अच्छे से करना। होने के बाद इधर से कर देंगे इरेज, डन। चले जाएंगे ऐड फोटो में और हाथ पे एक लगा लेंगे इधर से, ओके। एक्स्ट्रा हिस्सा को इरेज कर देंगे, और हार्डनेस को कर देंगे फुल, ड्रॉ कर लेंगे वाला हिस्सा भी। तो बहुत ही अच्छे से करना यार, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, इधर से करना है डन, हो गया। इधर पे होने के बाद आपको चले जाना है टूल्स पे, एडजस्ट पे क्लिक करके यहाँ पर ब्राइटनेस को हाई करना है, सेचुरेशन को थोड़ा सा हाई करना है, सॉरी ये ह्यू हाई हो गया, सेचुरेशन को थोड़ा सा हाई करना है, और इरेज पे जाना है, इन्वर्ट पे क्लिक करके सिर्फ हाथ पे ड्रॉ करना है, मतलब जहाँ पर लगाया है, ओके, जैसे कि ये वाला हिस्सा और यहाँ पर, फिर करना है डन, ओके। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया एडिटिंग थोड़ा सा, और एक बाकी है टेक्स्ट को देने का, तो यहाँ से टेक्स्ट ले लेंगे, और इसको भी मैं मॉडिफाई करके रखा हूँ, तो फोटो को जूम करने के बाद सेट हो जाएगा, ओके कर देना। दोस्तों चलेंगे ऐड फोटो में, और एक टेक्स्ट है यहाँ पर, तो ये वाला इसको भी आप सेट कर लेना जूम करके, और इधर से करना है डन, ठीक है। फिर दोस्तों आपको जाना है ड्रॉ पे, ड्रॉ पे जाने के बाद लेयर पे क्लिक कर देना है, और ऊपर में जो लेयर है उसका कलर करना है यहाँ पर ब्लू, थोड़ा सा लो ब्लू, ठीक है, और इधर से इसको करना है ओवरले। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो तो ओपासिटी, इसको कम कर देना है 23, और इधर से करना है डन,
हो गया। होने के बाद दोस्तों ड्रॉ पे जाएंगे और फोटो को ऐसे कर लेंगे सेव। दोस्तों फोटो को शेयर कर लिया उस एनएफसी एप्लीकेशन के अंदर, तो पहले आपको जाना है इफेक्ट पे, पॉप वाला इफेक्ट पहले देना है, ठीक है। फिर दोस्तों जाना है ड्रॉ पे और फेस का जो आप कलर देख सकते हो बहुत ही मतलब सेचुरेशन हाई हो गया है और बहुत ही लो है ब्राइटनेस, तो पहले फेस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्राइटनेस को फुल करेंगे, सेचुरेशन को एकदम कम कर देंगे, एकदम कम, ठीक है। लास्ट में जो आ रहा है उसको थोड़ा सा हाई करेंगे, कॉन्टेस्ट को कम करेंगे और इधर से ब्राइटनेस को थोड़ा सा हाई कर देंगे। हो गया। होने के बाद दोस्तों फिर से जाएंगे सिलेक्टिव वाला टूल पे, यहाँ पर आपको ड्रेस पे सिलेक्ट कर लेना है और कॉन्टेस्ट को थोड़ा सा हाई करना है, ओके कर देना है। फिर दोस्तों डिटेल्स पे जाना है, थोड़ा सा डिटेल इसे कम करना है। फिर दोस्तों जाएंगे टोन इमेज पे और सेचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ पर कम करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, और इधर से जो फोर्थ नंबर पर इफेक्ट है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इधर से कॉन्टेस्ट को थोड़ा सा हाई करके हाईलाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो आ रहा है उसको थोड़ा सा दे देंगे। हो गया। होने के बाद दोस्तों फिर से चलेंगे डिटेल्स पे, या पर फिर से थोड़ा सा डिटेल देना है और फिर आपको जाना पड़ेगा टोन इमेज पे और फोर्थ नंबर पे जो है वो थोड़ा सा दे देना है। हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये बिफोर वाला, पहले से अच्छे से देखो ये बिफोर वाला और ये आफ्टर, ये बिफोर और ये आफ्टर। तो दोस्तों ये वाला रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए नई फिल्म लेकिन वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।